हाय गाइस, मैं मुख्तार, फाउंडर ऑफ रिलायबल सॉल्यूशन। इस वीडियो में आपको यूट्यूब की एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिस सेटिंग के जरिए आप अपने यूट्यूब को बहुत अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेटिंग को देखने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ। जैसे कि आप जानते हैं, रिलायबल सॉल्यूशन पर आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पर वीडियो मिल रहे थे, लेकिन लास्ट 2-3 मंथ से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। रीज़न ये था कि मैं अपने जॉब में और कुछ प्रोजेक्ट्स में बिजी था, लेकिन अब कम्प्लीटली उधर से फ्री होकर फिर से मैं वीडियोज़ को कंटिन्यू अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन खास बात यह है कि मैं स्टेप बाय स्टेप हर सब्जेक्ट पे, जैसे कि आपको एक मेरे एमएस ऑफिस और कंप्यूटर हार्डवेयर पे कंप्लीट एक सीरीज़ मिली थी, एमएस ऑफिस में कंप्लीट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे आपको वीडियो मिले थे, स्टेप बाय स्टेप सेम ऐसे हार्डवेयर में मैं अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन इसी तरह मैं आप नेक्स्ट कुछ सब्जेक्ट जो है उस पर भी स्टेप बाय स्टेप अपलोड करने वाला हूँ। जो यूट्यूब की सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉबलेस है और बहुत सारों को जॉब नहीं है, अभी भी खाली बैठे हुए लॉकडाउन के बाद से। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाए, लेकिन वो सब चीज़ को समझते मैं टाइम निकाल कर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट फरवरी से, अब जनवरी होने के बाद में फरवरी से एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जो कि वेब डिज़ाइनिंग पर डिपेंड रहने वाला है। उस वेबसाइट डिज़ाइनिंग के कोर्स में 1 महीने का कोर्स रहेगा, कम्प्लीटली मैं ऑनलाइन भी रखने वाला हूँ, ऑफलाइन भी रहने वाला है। इसके अलावा मैं एफिलेट मार्केटिंग पे कंप्लीट सीरीज़ बनाने वाला हूँ, एफिलेट मार्केटिंग पे सीरीज़ बनाने वाला हूँ, ब्लॉग पे सीरीज़ बनाने वाला हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग जिस सीरीज़ को 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आप सीख कर एक आपकी अर्निंग स्टार्ट करें, तो ये जल्दी आपके सामने आने वाली है। फरवरी माह से स्टार्ट हो जाएंगी, फरवरी से टारगेट है इसका, क्योंकि अभी थोड़ा मैं 1 महीना और थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद में फिर स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। जो यूट्यूब की सेटिंग है वो देखने के लिए आप आइए हमारे स्क्रीन पर, हम आपको बताते हैं। हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूट्यूब की एक ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमारे यूट्यूब को एक अलग ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये सेटिंग बहुत कम लोगों को पता होती है, तो आइए देखते हैं ये सेटिंग क्या होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर अगर आप कभी भी कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड डेट, यानी आप लास्ट आवर की जो वीडियो अपलोड हुई इसको देखना चाहते हैं, या फिर आज के डेट में जो वीडियो अपलोड हुई इसको देखना चाहते हैं, या दिस मंथ, दिस वीक, दिस ईयर, तो इस तरह से आप फिल्टर करके इसको देख सकते हैं। इसी के अलावा जो आप कीवर्ड के ज़रिए सर्च किए, जैसा कि आपने सर्च किए मूवी, एक कीवर्ड यहाँ पे टाइप किए मूवी बोल के, इसको सर्च किए, तो यहाँ पे आपको किस टाइप के हिसाब से चाहिए आप यहाँ से सर्च कर ले रहे हैं। देन आपको वीडियो चाहिए या फिर मूवी के चैनल चाहिए, फिर या आपको प्लेलिस्ट चाहिए, प्लेलिस्ट बोले तो आपको जिसमें बहुत सारी मल्टीपल मूवीज रहती है, कलेक्शंस रहता है, या ओनली मूवी चाहिए, या फिर शो चाहिए आपको, जैसे कि आप कपिल शर्मा का जो शो देखना चाहते हैं सपोज़, तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे कपिल शर्मा शो, तो आप सपोज़ दिस वीक का शो चाहिए तो आपको यहाँ से दिस वीक सेलेक्ट कीजिए तो आपको कपिल शर्मा का शो दिस वीक का जो अपलोडेड है वो दिखाई देगा, अवेलेबल है तो, नहीं है तो आपको डेटा नॉट अवेलेबल बोल के दिखा देंगे। इसके अलावा आपको ड्यूरेशन किस हिसाब से देखना है, लेस देन 4 मिनट या फिर लेस देन 20 मिनट या ग्रेटर देन 20 मिनट, तो जो भी आपको जिस हिसाब से फिल्टर करना है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हम इसको प्रैक्टिकल देखने वाले जिस आपको समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको अगर लाइव देखना है यूट्यूब पर, या 4K HD देखना है, या फिर आपको सबटाइटल के साथ देखना है, तो आपको किस तरह से देखना आप यहाँ से पूरा चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे रिलेवेंसी देखना है आपको, यानी कि आप जो सर्च करें तो उस हिसाब से पूरा रिलेवेंस दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, या फिर डेट के हिसाब से दिखा रहा है, फिर या कंटेंट के हिसाब से दिखा रहा है। सपोज़ आप मूवी सर्च करें यहाँ पे कुछ और रिजल्ट दिखा रहा है, मीन्स वो रिलेवेंट नहीं है, तो आप यहाँ से रिलेवेंस सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टमेटिक उसके हिसाब से बताएंगे। तो आइए यूट्यूब पर देखते हैं कैसा होता है। हम यहाँ पर सर्च करते हैं, पहले आते हैं यूट्यूब में, अब हम अभी यहाँ पर यूट्यूब में हैं, अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज लाइफ। अब मैं यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज लाइफ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सजेशन में मिल गया है कि मुझे लाइफ से रिलेटेड किस चीज़ को सर्च करना है, जैसे यहाँ पे दिया है व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ व्हाट इज लाइफ।
जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे उससे रिलेटेड जो आ गए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 5 ईयर्स बिफोर की जो यहाँ पे व्हाट इज़ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, यहाँ पे एक मुझे एक नियर अबाउट 30 मिनट्स की एक वीडियो मिली है। अब यहाँ पे 6 ईयर्स बिफोर की मिली है, लेकिन मुझे एक इसी मंथ की वीडियो चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं, अब फ़िल्टर का ऑप्शन है, आपके पास भी इस तरह फ़िल्टर का ऑप्शन रहेगा। अगर आप मोबाइल में सर्च करें तो मोबाइल में भी, सपोज़ ये आपका मोबाइल एरिया है, तो मोबाइल के यहाँ पे राइट साइड में इस तरह का आपको एक लाइन्स मिलेंगी, 4 लाइन्स मिलेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आएंगे, देख सकते हैं आप, सेम वही ऑप्शन है जो मैं यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया हूँ। यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, तो मुझे दिस मंथ की चाहिए। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज़ लाइफ बोले तो, देन ये वीडियो भी 13 आवर्स बिफोर अपलोड हुई है, देख सकते हैं पे 13 आवर्स बिफोर अपलोड हुई है। देन ये 6 घंटे के पहले की वीडियो अपलोड हुई है, यहाँ पे 3 वीक्स बिफोर की है। तो इस तरह मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया। तो इस तरह आप रिज़ल्ट सर्च कर सकते हैं। अब मुझे टुडे की चाहिए, आज जो जो अपलोड हुई वो चाहिए मुझे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले 13 घंटे पहले जो अपलोड हुई है वो, देन 12 घंटे पहले की वीडियो, देन यहाँ पे 6 घंटे पहले की वीडियो, इस तरह दिखा रहा है। फिर अगर मुझे इसको इसी बेस पर मुझे चैनल, कौन से चैनल अवेलेबल है इस पर, तो मुझे सर्च करना है, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। आपको क्या सर्च करना है वहाँ पे आप कीवर्ड टाइप कीजिए, कीवर्ड टाइप करके आपको यहाँ से किस हिसाब से फ़िल्टर करना है तो उस हिसाब से आप फ़िल्टर कीजिए। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ साथ हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वेब डिज़ाइनिंग पे, जिसमें आपको कम्प्लीटली लाइव प्रैक्टिकल मिलेगा। अगर आप वो सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप एक कंप्लीट वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, जिसके बेस पर आप फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली डिटेल में इसको स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल के साथ करने वाले हैं। तो जिसमें वेब डिज़ाइनिंग होगा, वेब डिज़ाइनिंग कम्प्लीट होने के बाद में फिर आपको गूगल में बिजनेस पे वीडियोज़ मिलेंगी। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में एक एक टॉपिक पर आपको डिटेल में वीडियो मिलने वाली है। तो इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।